हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश गुरुकुल। दोस्तों, अभी हम कल्चरल डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक प्लुरलिटी एंड लिटरेरी ट्रेडिशंस इन इंडिया इस बुक को पढ़ रहे हैं। इस बुक की यूनिट 7 से आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका काफी लंबा चौड़ा नाम है, वुमन्स रिटेलिंग ऑफ द रामा टेल, नैरेटिव स्ट्रेटजीज एम्प्लॉयड इन द चंद्रवती रामायण। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो एक टाइटल काफी बड़ा लग रहा है, लेकिन इन शॉर्ट अगर इस टाइटल को हम डिकोड करें तो हम कह पाएंगे कि इस वीडियो में हम चंद्रवती रामायण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, हम सब रामायण के बारे में अच्छे से परिचित है, हमें पता है कि रामायण ये राम की कहानी है। इसमें अगर रामायण ना इसको हम संधि विच्छेद करें तो राम और याना, यानी राम की जर्नी, यानी राम की कथा, ऐसा इसका अर्थ होता है। लेकिन अब अगर हम देखें तो जो रामायण हम अक्सर सुनते हैं वो वाल्मीकि इनके द्वारा लिखा हुआ संस्कृत वर्जन है। लेकिन सिर्फ यही एक रामायण नहीं है, बल्कि रामायण के लगभग 300 अलग अलग वर्जन है, जिसमें से 100 वर्जन काफी पॉपुलर है, काफी परिचित से है। 300 रामायण नाम से एक ही रामानुजन इनने लिखा हुआ एक लिटरेरी ऐसे भी आप इस दिशा से पढ़ सकते हो, जहां पर आपको रामायण के हिस्ट्री और रामायण ट्रेडिशन के बारे में और विस्तार से पढ़ने को मिलेगा। लेकिन इस चैप्टर में हम चंद्रवती रामायण इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि वाल्मीकि रामायण को हम वाल्मीकि रामायण बोलते हैं, ठीक उसी तरह से चंद्रवती इन्होंने लिखे हुए रामायण का नाम चंद्रवती रामायण पड़ गया। समझने में बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल है। लेकिन इस चैप्टर में आखिर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये शुरुआत में ही समझ लीजिए। दोस्तों, हम सिर्फ चंद्रवती इनके द्वारा लिखे हुए इस रामायण की कहानी नहीं पढ़ने जा रहे हैं। रामायण की कहानी हमने पढ़ी हुई है और अलग अलग रामायण, फिर हो सकता है अद्भुत रामायण, जैन रामायण, तो ये ऐसे अलग अलग रामायण में हो सकता है कहानी कुछ ऊपर नीचे हो, कुछ अलग हो। लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चंद्रवती इनके द्वारा लिखी हुई कहानी नहीं पढ़नी है, बल्कि इस कहानी में जो नरेटिव स्ट्रेटेजीज चंद्रवती इन्होंने यूज किए हैं, उन नरेटिव स्ट्रेटेजीज के ऊपर भी हमें फोकस करना है। कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर यह समझ के लेना है कि किस तरह से चंद्रवती रामायण बाकी रामायण से अलग है। साथ ही साथ जब एक महिला चंद्रवती रामायण को लिखती है तो वो बाकी सारे पुरुषों से लिखे हुए रामायण से किस तरह से अलग हो सकता है, और किस तरह से उमन की सेंसिबिलिटीज, उमन के थॉट प्रोसेस, उनके एक्सपीरियंसेस, उनके स्टोरी टेलिंग को इंपैक्ट करते हैं और हमें कौन सा अलग एक नया जायका देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि भले टाइम ज्यादा लगे, मैं हर एक कंसेप्ट को आपको अच्छे से समझाऊं, जिससे कि आपके एग्जाम में चाहे इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल क्यों ना आए, आप उसका अच्छे से जवाब दे पाओ। तो चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे ऑथर नवनीता देवसेन इनके बारे में। दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो ऐसा मत कंफ्यूज हो जाए कि इसमें सिर्फ हम चंद्रवती रामायण के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर नवनीता देवसेन, जो कि एक बहुत ही विख्यात बंगाली ऑथर है, वो उनके द्वारा लिखा गया एक लिटरेरी ऐसे है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, नवनीता देवसेन, जैसे मैंने आपको कहा, ये एक राइटर है, एक क्रिटिक है, ये प्रोफेसर है जादवपुर यूनिवर्सिटी में, और ये यहाँ पे कंपेरेटिव लिटरेचर के डिपार्टमेंट में काम करती हैं। दोस्तों, इन्हें पद्मश्री अवार्ड और साहित्य अकादमी अवार्ड, इन विख्यात अवार्ड से नवाजा जा चुका है। ऐसे में जब ऑथर नवनीता देवसेन किसी एक टेक्स्ट को पिक कर रहे हैं, किसी एक टॉपिक को वो अपने लिखान के लिए चूज कर रहे हैं, तो वहीं पे ये समझ में आ जाता है कि वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नवनीता देवसेन बहुत ही विख्यात और बहुत ही थॉटफुल ऑथर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर में डीप डाइव करते हैं। शुरुआत करेंगे आखिर चंद्रवती कौन थी। दोस्तों, चंद्रवती ये 16th सेंचुरी के ईस्ट बंगाल में, जो कि आज की डेट में बांग्लादेश का हिस्सा है, इस ईस्ट बंगाल में रहने वाले 16th सेंचुरी की हिंदू विलेज वुमन थी। अब यहाँ पे हमें कई सारे अलग अलग वर्ड सुनने को मिल रहे। सबसे पहली चीज तो 16th सेंचुरी, तो आज से लगभग 400 साल पुरानी वो समय पर कैसी परिस्थिति रही होगी। तो कहीं ना कहीं अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट को उठाकर देखेंगे तो उस समय पर पूरी तरह से पुरुष प्रधान सोसाइटी हुआ करती थी। ऐसा अगर हम कहेंगे तो कुछ गलत नहीं होगा, हो सकता है कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत 19-20 रहा होगा, लेकिन हम 16th सेंचुरी की सोसाइटी को एक पुरुष प्रधान सोसाइटी मानकर चलेंगे। और वो उस
महिला थी जो रामायण जैसे टेक्स्ट को लिख रही थी। ऐसे में हमें मान सकते हैं कि वो बहुत ही करेजियस व्यक्ति थी। दोस्तों उनके जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है क्योंकि 16 सेंचुरी के उस समय के कोई दस्तावेज आज के तारीख में अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो कुछ भी अवेलेबल रिकॉर्ड्स है या कुछ जो भी हिंट्स मिली है उसके अनुसार चंद्रवती ने अपने जीवन में कभी शादी नहीं की और उम्र भर उन्होंने प्रभु शिव की आराधना की, उनकी ही पूजा की। बस इतना ही हमें उनके बारे में पता है। अब जब हम चंद्रवती के रामायण के बारे में बात कर रहे हैं तो दोस्तों जैसे मैंने आपको 16 सेंचुरी के बारे में कहा था तो 16 सेंचुरी एक ऐसा समय हुआ करता था कि उस समय पर जो कुछ भी लिखा जाता था उस समय के कोर्टली ऑडियंस के लिए, यानी उस समय के जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनके काफी अलग अलग शौक हुआ करते थे। उनके दरबारों में अक्सर गायक गायिकाएं नर्तक यानी डांसर्स आते थे, परफॉर्मेंस देते थे। ठीक उसी तरह से जो नाटक करने वाली नाटक मंडली हुआ करती थी वो भी अपने परफॉर्मेंस उनके दरबार में दिया करते थे। तो यही रीजन है कि जो भी क्लासिकल हम प्लेस पढ़ते हैं जैसे मृच्छकटिका हुआ तो कहीं ना कहीं उसके लिखने के पीछे जो ऑडियंस उनके माइंड में हुआ करती थी वो एक कोर्टली ऑडियंस, एक सभ्य ऑडियंस जो कुछ एक ओहदे पर काम करती है, ऐसे लोगों को ऑडियंस के तौर पर कंसीडर करके उस टाइम पे प्लेस लिखा करते थे। लेकिन चंद्रवती के रामायण के बारे में अगर हम बात करें तो उसके जो टारगेट ऑडियंस है वो नॉन कोर्टली ऑडियंस है। इसका मतलब हुआ कि उन्होंने जब अपने रामायण को लिखने की शुरुआत की तो अपनी नरेटिव स्टाइल को, यहाँ पर जब हम नरेटिव स्टाइल की बात कर रहे थे तो अपने नरेटिव स्टाइल को इस तरह से रखा कि वो आम इंसान को आसानी से समझ में आए। तो ये जो नरेटिव स्टाइल की बात हम कर रहे थे तो सबसे पहले नरेटिव स्टाइल की जो एक स्ट्रेटेजी थी वो थी कि नॉन कोर्टली ऑडियंस को ध्यान में रखकर नॉन कोर्टली आम तरह से जो भाषा उपयोग में आती है उस भाषा का उपयोग उन्होंने अपने रामायण में किया। साथ ही साथ जो बारहमासी करके वहां पे गायक की या फिर जो दो दो लाइनों के गीत गाने की वहां पे पद्धति हुआ करती थी उस समय के नॉर्थ इंडिया में वो पद्धति भी उन्होंने अपने राइटिंग में यूज की। तो ये नरेटिव स्टाइल में नया तड़का उन्होंने दे दिया। इससे हुआ ये कि उनकी जो नॉन कोर्टली जो आम आदमी की ऑडियंस थी उसमें भी उनके ऑडियंस हमें और खुलकर समझ में आई कि वो ऑडियंस महिलाएं थी, वो महिलाओं को ध्यान में रखकर अपने इस चंद्रवती रामायण को लिख रही थी। और यही चीज हमें उनके लिखान में भी देखने को मिली जब उन्होंने लिखते टाइम पे सुनो सखियों इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया। अगर उन्होंने सभी जनों को यानी सभी पब्लिक को एड्रेस करते हुए अपनी लैंग्वेज लिखी होती तो उन्होंने कहा था सुनो सब जनों सर्व जनों, सब जनों को उन्होंने यहाँ पर बात करते हुए सब जनों को उन्होंने या फिर सर्व जनों को ध्यान में रखते हुए अपने चंद्रवती रामायण को नहीं लिखा है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें यहाँ पर क्लियर हो रहा है वो है चंद्रवती रामायण की नरेटिव स्टाइल कैसी थी। ऊपर से देखा जाए तो आम इंसान की भाषा वहां पर यूज की गई थी, जो बारामसी टाइप के सॉन्ग्स हुआ करते थे जो खेतों में काम करने वाली महिलाएं गाती है वो उन्होंने अपनी राइटिंग स्टाइल में यूज किए। तो इससे हमें बेसिक चीजें समझ में आई कि वो महिलाओं को ध्यान में लेकर लिख रही थी। अब आगे बढ़ेंगे और ये जानेंगे कि आखिर चंद्रवती का रामायण उस समय के जो उपलब्ध रामायण के वर्जन हुआ करते थे जिसमें वाल्मीकि रामायण जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, कृतिवास इनके द्वारा लिखा गया बंगाली वर्जन, अद्भुत रामायण, जैन रामायण, ऐसे कई सारे वर्जन 16 सेंचुरी में भी अवेलेबल थे। तो इन सारे रामायण से चंद्रवती का रामायण किस तरह से अलग है तो इसका आंसर अगर हम देखें तो जो चंद्रवती ने रामायण लिखा है वो एक पर्सनल इंटरप्रिटेशन है फ्रॉम अ रॉन्ग वुमन पॉइंट ऑफ व्यू। जब चंद्रवती ने अपना रामायण लिखा तो उन्होंने एक ऐसी महिला के दृष्टिकोण से विचार किया जिसके साथ धोखाधड़ी हुई है। तो यहाँ पर जो धोखाधड़ी हुई है वो व्यक्ति वो महिला है सीता। यहाँ पे उन्होंने पूरी तरह से सीता जी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सामने रिप्रेजेंट किया है और यही नरेटिव स्टाइल हमें इस रामायण में देखने को मिलेगी। अगर हम ऊपर से मोटा मोटी तौर पर अगर देखें तो संस्कृत भाषा में लिखा गया वाल्मीकि रामायण और बंगाली भाषा में लिखा गया कृतिवास रामायण इससे चंद्रवती रामायण बहुत ज्यादा डिफर करता है। ये कहेंगे कि जमीन आसमान का फर्क है, वो क्या फर्क है हम आगे जानेंगे। लेकिन अद्भुत रामायण और जैन रामायण ये दो वर्जन से चंद्रवती रामायण काफी हद तक थोड़ा बहुत मेल खाता है या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उनमें से हमें इंटरटेक्सचुअलिटी देखने को मिल सकती है क्योंकि
इस जो जैन रामायण और अद्भुत रामायण है इसमें भी सीता ये रावण इन्हीं की पुत्री है ऐसा बताया गया था। तो इस वर्जन में भी चंद्रवर्ती रामायण में सीता को रावण की पुत्री के तौर पर दिखाया गया है, तो ये इंटरटेक्चुअलिटी भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर चंद्रवर्ती कौन थी और उन्होंने क्यों लिखा होगा। दोस्तों अब हमें तो ये पता है कि 16 सेंचुरी की हिंदू महिला जो गांव में रहती है ऐसी व्यक्ति चंद्रवर्ती हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने इस तरह से रामायण क्यों लिखा होगा ये भी गौर करने वाली बात है। कहीं ना कहीं हमें इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि अगर कोई ऑथर कुछ लिख रहा है तो आखिर वो क्यों लिख रहा है। तो इससे अगर हम उसके ऊपर विचार करें तो हमें ये ध्यान में आता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में सफरिंग देखी थी। कहीं ना कहीं हो सकता है 16 सेंचुरी का जो समाज था, जो सोसाइटी थी, वो पुरुष प्रधान हुआ करती थी और उस पुरुष प्रधान समाज के उन्हें कुछ प्रॉब्लम देखने को मिले, कुछ चैलेंजेस देखने को मिले और अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस उन्हें कुछ ऐसे चैलेंजिंग मिले होंगे कि अपनी सफरिंग को उन्होंने अपने पर्सनल इंटरप्रिटेशन के तौर पर इस रामायण में मिक्स कर दिया। कहीं ना कहीं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस का तड़का उन्होंने इस रामायण में दिया और यही रीजन है कि कई सारे एक्सपर्ट्स इस रामायण को सीता यमा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों अब डायरेक्टली हम चंद्रवर्ती के रामायण के ऊपर आएंगे और आपकी सहूलियत के लिए और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इस रामायण को सीता यमा कहा करूंगा, तो आप समझ गए थे। दोस्तों जो सीता यमा है वो शुरुआत उसकी शुरुआत होती है सुपर नेचुरल बर्थ ऑफ सीता से। दोस्तों जो कोई भी एपिक होते हैं, जो महाकाव्य होते हैं, अक्सर महाकाव्यों में ये एक चीज हमें देखने मिलते हैं जिसमें वरदान, अभिशाप, कुछ सुपर नेचुरल पावर, कुछ बड़े बड़े युद्ध को यही तो सारी चीजें हैं जो किसी काव्य को महाकाव्य बनाते हैं। तो ये महाकाव्य का एक उदाहरण या फिर महाकाव्य का ही एक अंश हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जब सीता है नामे चंद्रवर्ती सीता को सुपर नेचुरल बर्थ देते हैं। इनकी जन्म की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। एकदम शॉर्ट में अगर बताएं तो आप सब जानते हैं कि रावण एक राक्षस था, वो बहुत ही क्रूर था। रावण ने क्या किया, इस कहानी के अनुसार रावण ने कई सारे साधु संतों को मार दिया और उनके खून को उसने जमा कर लिया। अब ये जो खून है साधु संतों का, ये साधु संतों का खून वो देवी देवताओं के विरुद्ध यूज करने वाला है क्योंकि वो पॉइजन की तरह काम करेगा और इसकी वजह से जो देवी देवता है वो मर जाएंगे। लेकिन रावण के बारे में हम ये भी जानते हैं कि उसने तीनों लोगों को जीत लिया था, पाताल लोग, पृथ्वी लोग और ईश्वर लोग, तो सभी स्वर्ग लोग, तो इन तीनों लोगों को उसने जीत लिया। तो स्वर्ग लोग में जो अप्सराएं हुआ करती थी रावण उन्हीं के बीच में जाके घुल मिल गया, वो उन्हीं के साथ प्यार करने लगा, वो उन्हीं से दोस्ती करने लगा, उन्हीं के साथ रहने लगा। इससे रावण की पत्नी मंदोदरी बहुत ही आहित हो गए, उसे बहुत इससे पीड़ा हो गई और उसने इसे गुस्से के चलते रावण के पास जो विष रखा हुआ था जो कि साधु संतों का ही खून था, उस विष को मंदोदरी ने पी लिया क्योंकि अब वो अपनी जिंदगी से पूरी तरह से परिणाम हो चुकी थी, वो चाहती थी कि मर जाए। लेकिन जो महिलाओं का शरीर है या फिर महिलाओं का जीवन एक मिस्ट्री है और यही रीजन है कि मंदोदरी ने तो विष पी लिया लेकिन वो मरी नहीं, बल्कि उस विष के कारण वो प्रेग्नेंट हो गई और कुछ महीनों के बाद उसने जन्म दिया। अब उसने जब जन्म दिया तो ये जो संतान थी यही संतान आगे चलकर सीता बनने वाली है, लेकिन वो तुरंत ही सीता या फिर इंसानी रूप में जन्म ना लेते हुए वहां पर उनका जन्म एक अंडे के रूप में होता है। अब जैसे ही मंदोदरी एक अंडे के रूप में एक लड़की को जन्म देती है तो वहां के जो सूतसेर है, जो भी भविष्यवाणी करने वाले व्यक्ति है, वो रावण से कहते हैं कि रावण देखो ये जो लड़की, ये जो अंडा तुम्हारे घर में जन्म हुआ है, इसमें से एक लड़की जन्म लेगी और ये लड़की तुम्हारे पतन का कारण बनेगी, तो तुम यहाँ पर सावध हो जाओ और उसे खत्म कर दो। तो फिर इसी के चलते रावण अपनी पत्नी मंदोदरी के पास जाता है और वो कहता है कि इसे हम मार देंगे, लेकिन मंदोदरी कहती है कि नहीं ऐसा नहीं करिए, अगर आप चाहते ही है कि इसमें से जो लड़की कल को जन्म लेगी वो आपका वध ना करे, आपके पतन का कारण ना बने, तो आप इसे समुद्र में बहा दीजिए, आप इसे दूर फेंक दीजिए। तो फिर इसी के चलते उस अंडे को एक सुनहरे बास्केट में बंद करके कैद करके समंदर के अंदर डाल दिया जाता है। अब आप तो जानते हो कि रावण लंका में रहता था और कहीं ना कहीं वो जो अरेबियन सी है उस अरेबियन सी में उस अंडे को फेंक देता है, डाल देता है। अब पानी के प्रवाह के साथ वो अंडा बहते बहते
इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ आ जाता है, जहां पर एक मछुआरा जब मछलियां पकड़ रहा होता है तो उसके जाल में वो अंडा आ जाता है। अब ये जो सुनहरा दिखने वाला अंडा है जिसके बाहर से सोने का कवच है, उस अंडे को लेकर वो अपनी पत्नी के पास जाता है। इस पत्नी का नाम होता है सता। सता तो ये जो पत्नी है वो काफी खुश हो जाती है, ये पत्नी काफी गरीब होती है, उनका जीवन काफी कष्टमय होता है। तो फिर वो उस अंडे की काफी मनोभाव के साथ पूजा करती है, अर्चना करती है, और फिर इसी से उस अंडे के अंदर जो माँ लक्ष्मी है वो प्रसन्न हो जाती है और वो उसे वरदान देती है, जिसके चलते सता और जो मछुआरा है वो दोनों अमीर हो जाते हैं। एक रात वो माँ लक्ष्मी उस सता नामक व्यक्ति के सपने में आकर उससे कहती है कि तुम अब इस अंडे को राजा जनम के पास पहुंचा दो, क्योंकि वहां पर मेरा जन्म होने वाला है। इसी के चलते सता उस अंडे को लेकर राजा जनम के पास पहुंचती है और फिर वहां पर वो सिर्फ एक कंडीशन रखती है कि ये अंडा मैं उस दैवी स्वप्न के कारण आपको दे रही हूं, लेकिन मेरी सिर्फ एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि जो भी लड़की इस अंडे में से जन्म लेगी उसका नाम आपको सीता रखना पड़ेगा। इसका रीजन ये होता है कि उसका खुद का नाम सता होता है, तो वो चाह रही थी कि मेरे ही नाम के अक्षर मेरे लड़की के नाम में भी प्रकटित होने चाहिए। तो उसकी सारी कंडीशन मान ली जाती है और इस तरह से एक अंडे में से पूरी एक सुपर नेचुरल प्रोसेस से सीता जी का जन्म होता है। अब उनका जन्म यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हमें उनके चाइल्डहुड की कहानी देखने को मिलती है कि कैसे वो बचपन में खेला करते थे वगैरह वगैरह, ये सहज सी चीजें उन्हें आप हमें यहाँ पर बताई जाती है। उसके बाद जो उनका मैरिज है, जो सीता जी में जो मैरिज है, जब हम रामायण पढ़ते हैं तो उसमें एक परीक्षा ली जाती है, जहां पर श्री राम को जो ऊपर गोल गोल फिरती हुई मछली होती है उस मछली की आंख का भेदन करना होता है। तो वो एक ऐसा प्रसंग है जहां पर हमें श्री राम के शौर्य और उनके युद्ध के गुणों के बारे में देखने को मिलता है। जब मैंने आपको एक एपिक स्टाइल के बारे में बताया, जो महाकाव्य होते हैं, महाकाव्य में अक्सर ये जो हीरोइक कोड होते हैं, जो हीरोइक चीजें होती हैं, ये बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की जाती है। यही रीजन है कि जब आपने वाल्मीकि रामायण टीवी पे देखा होगा तो ये जो प्रसंग है जिसमें प्रतंचा चढ़ाई जाती है, तो ये सारी चीजें वहां पर आपको पूरी तरह से एड्रेनलिन रश देती है। तो ये चीजें हमें सीता एना में चंद्रवती रामायण में देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि बस उड़ते उड़ते वो सहज ऐसे एक्सप्लेन कर देते हैं कि मेरी शादी ऐसे ऐसे हुई। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है कि जब सीता की शादी श्री राम के साथ हो जाती है तो किस तरह से उन्हें वनवास में जाना पड़ता है। अब ये जो कैकेयी होती है, उनकी एक दासी होती है, ये कहानी कहीं ना कहीं यहाँ पे सिमिलर सी देखने को मिलती है। और यहाँ पे एक चीज गौर करने लायक है कि महिलाओं का रोल यहाँ पर काफी हद तक निगेटिव हमें देखने को मिलेगा, कि महिलाओं के कारण जो कहानी है वो आगे आगे बढ़ती जा रही है। यही चीज हमें आगे भी लास्ट में देखने को मिलेगी। जब माँ सीता लंका से वापस आती है तो श्रीराम उनके ऊपर डाउट करते हैं, उसके पीछे भी उनकी बहन का हाथ होता है। तो ये भी एक कॉमन एलिमेंट हमें चंद्रवती रामायण में देखने को मिलेगा। उसके आगे हमें ये पढ़ने को मिलता है कि जो कालखंड वनवास का, जो 14 साल का कालखंड सीता और राम इन्होंने जंगल में बिताया था, वो कालखंड एक स्त्री, एक जो कि सीता यहाँ पर है, वो किस तरह से एक्सप्लेन करेगी। अगर हम वाल्मीकि रामायण देख रहे हैं तो वहां पर उनके वो किस तरह से जो हिरण होते हैं उनका शिकार करते हैं, किस तरह से जीवन करते हैं, वहां पे जादू टोना शिकार ऐसी चीजें हमें वहां पर देखने को मिलेगी। लेकिन जो सीता का वर्जन है, जो सीता का पॉइंट ऑफ व्यू है, महिला का पॉइंट ऑफ व्यू है, उनकी अगर माने तो जो वनवास का कालखंड है वो उनके लिए कुछ इस तरह से है जैसे कि वो किसी वैकेशन पर गए हैं। वो इस एग्जाम को डिलीशियस साउंड कराती है और हमें ऐसा महसूस होता है कि उनके लिए वो जो कालखंड है काफी खुशी भरा समय उनके जीवन का रहा है। अब उसके बाद हमें उनके एब्डक्शन यानी उनके अपहरण के बारे में पता चलता है कि किस तरह से धोखे से रावण उनको अपहरण करके ले जाता है। अब दोस्तों हमें यह पता है कि सीतायना के अनुसार भले ही वो पूरी तरह से 100% रावण की पत्नी नहीं, पुत्री नहीं है, लेकिन फिर भी अभी वो उनकी बीवी की ही तो बेटी है। तो इस नाते से भी अगर देखा जाए तो रावण सीता के पिता हो गए, लेकिन एक पिता ही अपने पुत्री के ऊपर बुरी नजर रखता है और उसका अपहरण करके ले जाता है। तो ये फिर से इंटरटेक्चुअलिटी हमें एक अन्य एपिक में से देखने को मिलेगी, जो यूरोपियन एपिक है जिसका नाम है ओपीडियस।
उस ओपीडीएस में से हमें अन्य एक इंटरटेक्सचुअलिटी देखने को मिलेगी जिसका उल्लेख रवनीता दीक्षित ने इस चैप्टर में भी किया हुआ है। दोस्तों इसके बाद जो जब उनका अपहरण हो जाता है और अपहरण के बाद जो युद्ध होता है उस युद्ध के ऊपर सीता जी ने बस उड़ते उड़ते बताया है। अगर हम वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो उसमें पूरी तरह से बताया गया कि कुंभकर्ण का वध किस तरह से हुआ, रावण का जो बेटा है इंद्रजीत वो कितना मायावी होता है, वो युद्ध किस तरह से होता है, अलग अलग तरह के अस्त्रों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, एक बार जो लक्ष्मण है उनको बाण लग जाता है, फिर उनको बचाने के लिए हनुमान उड़कर जाते हैं, फिर वो पहाड़ उठाकर लाते हैं, तो कई सारी ऐसी हीरोइक चीजें हमें जो ओरिजिनल वाल्मीकि वर्जन है वाल्मीकि रामायण है उसमें देखने को मिलेगी। लेकिन इन सारी चीजों को चंद्रपति रामायण में कहीं ना कहीं स्किप कर दिया गया है। अब ये चीजें हमें फीमेल सेंसिबिलिटी के बारे में बताती है, जो फीमेल वर्जन होता है वो इन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करता है, साथ ही साथ फीमेल जो होती है वो ज्यादा सेंसिबल होती है, ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो यही सेंसिबिलिटी और सेंसिटिविटी हमें इस रामायण में देखने को मिलती है जब मां सीता बस ऊपर ऊपर से इसके बारे में बता देती है। लेकिन जो उनका कालखंड एब्डक्शन के दौरान गया था, जब उनको अपहरण करके रावण ने वहां पर एक बगीचे में रख दिया था जहां पर उनके साथ दासियां हुआ करती थी, वो जो कालखंड है जब उनको बहुत सारा पीड़ा सहनी पड़ती है, वो फिर मानसिक त्रासदी हुई, फिजिकल पेन हो, ये सारी चीजें चंद्रपति रामायण में सीतायना में हमें बहुत डिटेल के साथ देखने को मिलेगी। जब हम सीतायना पढ़ेंगे तो हमें ऐसा महसूस हो सकता है कि जैसे चंद्रपति सीता जी के साथ वहां पर बैठी हो, जैसे सीता जी ने ही खुद से चंद्रपति को बताया होगा कि देखो मुझे कितनी पीड़ा हो रही है, मुझे अपने घर की, अपने मायके की, अपने पति की याद आ रही है, यहाँ पर उन्हें किस तरह से महसूस हो रहा है, अनजाने शहर में हमेशा उन्हें डर लगा रहता है, ऐसी कई सारी चीजें इतने इंटीमेटली चंद्रपति ने चंद्रपति रामायण में एक्सप्लेन की है कि हमें ऐसे लग सकता है कि वो सीता जी को पर्सनली जानती थी, बहुत ही क्लोजली जानती थी, जैसे उनकी गहरी दोस्ती हो, जैसे वो बहने हो या फिर उनका कोई नाता हो, जैसे माँ बेटी का नाता हो। दोस्तों इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और जब वो वापस आ जाती है तब शुरुआत होता है बुक टू का। दोस्तों चंद्रपति रामायण सीतायना में कुल मिलाकर तीन बुक या फिर तीन कालखंड हमें देखने को मिलेगा। अब तक का जो कालखंड था वो बुक वन से था, जो बुक टू है ये वो कालखंड है जब मां सीता लंका से वापस आ जाती है और पूरा युद्ध सब कुछ खत्म हो गया है और अब इस समय पर जो नरेटर है कहानी का, नरेटिव स्टाइल फिर से एक बार ध्यान दीजिए, जो नरेटिव स्टाइल है इस बार बदल गई है। जो बुक वन की जो नरेटिव स्टाइल है वहां पे चंद्रपति खुद से बात कर रही थी, चंद्रपति खुद से एक्सप्लेन कर रही थी कि सीता को कैसे महसूस हुआ, लेकिन अब बुक टू में नरेटिव स्टाइल फिर से चेंज हो गई है और इस बार नरेटर हैं खुद सीता जी और वो हर्षित वो खुद से बता रही है कि अयोध्या से वापस आने के बाद वो अपने बेडरूम में बैठी है जहां पर उनकी सखियां, उनकी दासियां, उनकी दोस्त जो कि महिलाएं हैं वो महिलाएं उनके साथ में बैठी है और उन्हें वो बता रही है कि जब मैं लंका में थी वहां पर कैसा हुआ या फिर जो भी उन्हें सवाल पूछे जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है सीता जो कि एक रानी है, अब रानी 14 साल के बाद वापस लौटी है तो जो उनकी दासियां हैं, जो भी सहेलियां हैं वो पूछेंगे कि आखिर वो वनवास वाला कालखंड कैसा रहा, तो सीता खुद से बताएगी कि वो कालखंड बहुत ही अच्छा था, उस कालखंड में हम वन में घूमा करते थे, हमें पर्सनल टाइम मिला करता था, अब फिर हो सकता है यहाँ पर रोमांटिक एक्सपीरियंसेस भी बताए जाएंगे। तो इस तरह से वो ऐसे बताएंगे जैसे वो कालखंड बहुत ही डिलीशियस था, उन्हें वनवास में बहुत ही आनंद आ रहा था। उसके बाद जब सहेलियां उन्हें पूछती हैं कि आपका अपहरण कैसे हुआ तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर स्टाइल वो हमें देखने को मिलेगी, लेकिन जो वक्ता है, जो नरेटर है वो सीता खुद है और वो खुद से अपने एक्सपीरियंसेस, अपने आप बीती हम सबको बताएंगी। और इस आप बीती में क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि जब सीता का अपहरण हुआ तो वो तो वहां पर एक जगह पर कैद थी, एक जगह पर ही वो बैठ कर थी और उनको छुड़ाए जाने का इंतजार कर रही थी, तो उन्हें ये पता ही नहीं कि आखिर बैटल किस तरह से हुआ, युद्ध आखिर किस तरह से हुआ, कौन सा अस्त्र युद्ध किया गया, कौन कौन वो युद्ध में शामिल था, कौन मरा कौन बचा, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। तो इस वजह से भी और साथ ही साथ हमने फीमेल सेंसिटिविटी के कारण भी, क्योंकि अब देखिए पहला जो राइटर है वो राइटर एक महिला है चंद्रपति और वो राइटर दूसरी एक महिला के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा है, तो यहाँ पर हमें डबल सेंसिबिलिटी देखने को मिलेगी और इस डबल सेंसिबिलिटी के चलते यहाँ पर कोई भी बैटल सीन हमें देखने को नहीं मिलेगा, बस उड़ते उड़ते हाँ श्री राम ने राक्षसों को वध कर दिया और मुझे छुड़ा कर ले गए, कुछ इस तरह से सहज सी भाषा में हमें
छत्रपति रामायण में डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा और कोई भी हीरोइक अचीवमेंट्स यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी कि जैसे हनुमान पूरे पर्वत को उठाकर लाए, तो ये बहुत ही हीरोइक अचीवमेंट है। तो जब हनुमान उड़कर जा रहे थे तो वहां पर कुछ अलग अलग राक्षस मायावी रूप लेकर आ रहे थे, तो किस तरह से अचीवमेंट्स है वहां पर, बहुत ही युद्ध है हराना, तो ये सारे हीरोइक अचीवमेंट्स यहाँ पर पूरी तरह से स्किप कर दी है। और अगर बताई भी गई है तो बस उड़ते उड़ते, क्योंकि अब इनको राम जी ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो उन्होंने बस थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें नरेट कर दी, कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। लास्ट जब वो वापस आ गई है तो उनके वापस आने के बाद वो प्रेग्नेंट हो जाएंगी। अब ये जो प्रेगनेंसी का दौर है, यहाँ पर वो प्रेग्नेंट होने के बाद उनके जीवन में एक भयानक सा कालखंड आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जब उनका जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, क्योंकि उनको वहां से एग्जाइल कर दिया जाएगा, फिर से एक बार उनको एग्जाइल में जाना पड़ेगा। इसका कारण होता है अग्नि परीक्षा। अब ये अग्नि परीक्षा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये अग्नि परीक्षा किसके कहने पर बताएगी? अगर हम वाल्मीकि रामायण पढ़े तो वाल्मीकि रामायण में एक मछुआरा होता है, तो मछुआरा एक दिन अपनी पत्नी को पीट रहा होता है, राम वहां से गुजर रहे होते हैं तो उनको कहते हैं कि क्यों तुम अपनी पत्नी को क्यों पीट रहे हो, तो मछुआरा कहता है कि जाओ, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं जो सालों तक मेरी पत्नी कहीं बाहर रहकर आए फिर भी उसके ऊपर यकीन कर लूं। कुछ इस तरह का दृश्य हमें वाल्मीकि रामायण में देखने को मिलेगा। लेकिन चंद्रपति रामायण में हम देखते हैं कि यहाँ पर ये अग्नि परीक्षा कराने के पीछे राम इनकी ही बहन होती है जिसका नाम कुकई होता है। अब ये कुकई होती है वो अपने भाई राम इनके कान भर देती है और कहती है कि भाभी तो इतने सालों तक वहां पे लंका में रही, अन्य पर पुरुष के साथ रही, हो सकता है वहां पे दोस्ती हुई होगी, तो क्या आप कह सकते हैं, आप कैसे भरोसा कर सकते हैं? तो इस तरह से इन चीजों के चलते राम भी उनके ऊपर डाउट करते हैं, संशय करते हैं, उन्हें कहते हैं कि तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। अग्नि परीक्षा की बात आती है तो सीता कहते हैं कि मैं तो अग्नि परीक्षा दे दूंगी, मैं जीत भी जाऊंगी। लेकिन जब वो जीत जाती है तब वो राम को छोड़कर वहां से चली जाती है, वनवास में चली जाती है। ये वनवास का भी जो दौर है ये भी हमें पूरी डिटेल में देखने को मिलेगा कि जिस व्यक्ति पर यहाँ पर राम उनके लिए पहले देवता समान था, पति परमेश्वर थे, लेकिन जब उन्हें फंसा दिया गया है, उन्हें जब रॉन्ग कर दिया गया है, धोखा दिया गया है, तो उसके बाद उनकी मनस्थिति कैसी हो जाती है ये हमें देखने को मिलेगा। अब जब वो प्रेग्नेंट अवस्था में वनवास को चली गई तो वो लव कुश नामक दो बालकों को जन्म देती है, वो चाइल्ड बर्थ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। और फिर चाइल्ड बर्थ के बाद उनका डेथ का सीन हमें देखने को मिलेगा जब वो फिर से एक बार पृथ्वी के अंदर समाहित हो जाएंगी। और यहीं पर अगर देखा जाए तो लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चंद्रपति रामायण को कंप्लीट हो जाना चाहिए था, क्योंकि वो सीता की कहानी है, सीता के जन्म से शुरू हुई, सीता के मृत्यु पे या फिर उनके मरणोपरांत ये रामायण ये सीतायन आ है खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर सीतायन खत्म ना होते हुए बुक थ्री भी आता है, जिस बुक थ्री में जो नरेटर है वो फिर से एक बार चंद्रपति बन जाती है। देखिए पहले बुक में चंद्रपति नरेटर थी, दूसरे बुक में सीता नरेटर थी, तीसरे बुक में फिर से एक बार चंद्रपति नरेटर बन गई है। जब वो नरेटर बन गई है तो यहाँ पर वो दो पैरेलल वॉइसेस हमें दिखा रही है। एक पहला पैरेलल वॉइस किसका है? उनका खुद का, बतौर महिला, वो खुद महिला है तो अपना वॉइस, अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने विचार को वहां पर प्रस्तुत कर रही है। और उसके बाद जो वहां की डोमिनेंट आइडियोलॉजी है, उस समय की जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, उस विचारधारा को भी बुक थ्री में चंद्रपति सबके सामने प्रस्तुत कर रही है कि समाज कैसा है। तो इस वक्त भी जब बुक थ्री तक पहुंच गए होते हैं तो हम देखते हैं कि चंद्रपति तो यहाँ पर नरेटर है ही, लेकिन यहाँ पर एक मेल कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस करा दिया गया है जो कि लक्ष्मण है, राम जी के भाई लक्ष्मण। तो यहाँ पर नवनीता देवसेन इस लिटरेरी आर्टिकल की ऑथर ये मानती है कि हो सकता है जब शुरुआत में चंद्रपति ने रामायण लिखा, अपना सीतायन लिखा, उस समय पर लक्ष्मण का कैरेक्टर या फिर लक्ष्मण बतौर नरेटर या फिर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के तौर पर बुक थ्री में ना रहा हो, लेकिन क्योंकि जो भी एक्टर्स उस प्ले में काम करने वाले थे उसमें से कई सारे पुरुष भी हो सकते हैं, और ये पुरुष तो कहेंगे ना कि तो पूरी की पूरी महिला की कहानी है, तो जाओ महिलाओं से एक्टिंग करा लो। अब आप सुनो कि 20th सेंचुरी तक भी ऐसा था कि मूवीज के अंदर महिलाएं काम नहीं करती थी, महिलाओं का रोल पुरुष किया करते थे, महिलाओं को इतनी ज्यादा आजादी नहीं थी। तो जाहिर सी बात है ये जो भी नाटक कराया जाना था इसमें पुरुष ही तो एक्टिंग कर रहे होंगे ना, तो उनसे एक्टिंग कराने के लिए तो
कुछ ना कुछ रोल बढ़ाने के उद्देश्य से हो सकता है चंद्रपति ने लक्ष्मण का भी कैरेक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हो, या फिर हो सकता है कि चंद्रपति ने बिल्कुल भी नरेटर के तौर पे या फिर कैरेक्टर के तौर पर लक्ष्मण को बुक 3 में इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया हो, बल्कि कालखंड के साथ जैसे जैसे कुछ दिन बीतते गए तब उनको इस बुक 3 में इंट्रोड्यूस कराया गया हो। दोस्तों इस तरह से बुक 1 बुक 2 बुक 3 के साथ चंद्रपति रामायण कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें हमें एक चीज गौर से देखनी है, जो रामायण है ये राम की कहानी है, तो जो वास्तविक रामायण है वाल्मीकि रामायण को हम वास्तविक रामायण कह रहे हैं, उस रामायण से चंद्रपति का रामायण इसका राम जो हीरो है वो किस तरह से डिफर करता है। जो वास्तविक रामायण का राम है वो एक आइडियल व्यक्ति है, वो एक परफेक्ट व्यक्ति है, तो उसे हम इस तरह से यहां पर नहीं देखने जा रहे हैं। चंद्रपति रामायण में वो कोई आइडियल व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो ना ही अच्छे व्यक्ति है, ना ही अच्छे पति है, ना ही अच्छे किंग है, बल्कि चंद्रपति रामायण में वो चंद्रपति कहती है कि उनका जो राज्य है वो कोई राम राज्य नहीं है। अब क्यों? यथा राजा तथा प्रजा। जब आप जो राजा के पद पर जो व्यक्ति है उसी को जब आप गलत तौर से दिखा रहे हो, आप मान रहे हो कि गलत इंसान है। अब चंद्रपति की अगर देखें तो वो सही भी है, एक फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया किसी और की बातों में आके, और ये जानते हो कि उसकी कोई गलती नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को कैसे आप सही इंसान कह सकते हो? तो यही पॉइंट ऑफ व्यू हमें चंद्रपति रामायण में देखने को मिलता है। और वो कहते हैं कि जो राम का राज्य है उसमें कोई राम राज्य नहीं है, बल्कि इस रामायण में, और हो सकता है सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा रामायण है जिसमें राम को राम की गलतियां दिखाई गई है, राम को भला बुरा कहा गया है। इस रामायण में चंद्रपति कहती है कि राम तुम्हारी गलतियों की वजह से अयोध्या जल जाएगी, तुम्हारी गलतियों की सजा पूरा अयोध्या राज्य पूरी अयोध्या नगरी झेलेगी, क्योंकि तुम एक अच्छी महिला के ऊपर शक करके उसको वनवास में भेज रहे हो, उसके साथ तुम धोखाधड़ी कर रहे हो। तो जब इस तरह से चंद्रपति बोलती है तो ये नैरेटिव स्टाइल फिर से आपको ध्यान में देना है, वो एक फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से दर्द जता रही है। दोस्तों ये पूरा चैप्टर जब हम पढ़ गए तो जो लास्ट वर्ड्स यहाँ पर नवनीता देव सेन ने दिए हैं उनको फिर से एक बार हम दोहराएंगे। वो कहते हैं कि चंद्रपति रामायण एक निग्लेक्टेड टेक्स्ट है। कई सारे जो हिस्टोरियंस है वो मानते हैं कि चंद्रपति का रामायण कोई रामायण है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो रामायण है वो तो राम की कहानी है, और चंद्रपति के रामायण में तो राम की कहानी बस उड़ते उड़ते हैं। राम का उल्लेख सिर्फ तभी है जब सीता के साथ उनका उनकी बातचीत होनी है, या फिर कुछ इसी तरह से दोनों का कनेक्शन होना है, अदरवाइज राम के जीवन पर कुछ भी फोकस नहीं है। तो जो भी आम तौर पर रामायण को देखा जाता है उससे रामायण बहुत ही भिन्न है, क्योंकि ये सीता की कहानी है। तो इस तरह से जो लिटरेरी क्रिटिक्स है वो कहते हैं कि रामायण है ही नहीं, और इस रामायण को निग्लेक्ट कर दिया जाता है। और इसीलिए नवनीता देव से ऑथर कहते हैं कि आज के कालखंड में चंद्रपति के रामायण को रीरीड करने की, फिर से एक बार पढ़ने की जरूरत है, और ये समझने की जरूरत है कि ये चंद्रपति रामायण है ये एक पर्सनल इंटरप्रिटेशन है फ्रॉम अ रॉन्ग वुमन्स पॉइंट ऑफ व्यू। एक ऐसे वुमन का पॉइंट ऑफ व्यू हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा जिसके साथ धोखाधड़ी हुई है, जिसे फंसाया गया है। और जब इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो आपको चंद्रपति रामायण इनकम्प्लीट नहीं लगेगा, बल्कि आपको वो पूरा दिखाई भी देगा और आपको समझ में भी आएगा कि जो भी सीता के साथ हुआ था वो गलत हुआ था। कहीं ना कहीं जो हमने वाल्मीकि रामायण पढ़ा था उस वक्त तो हमने सीता के दुख दर्द के बारे में, आखिर सीता की मनस्थिति कैसी रही होगी, इसके बारे में हमने सोचा ही नहीं था, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में तो सीता को एक पूरी तरह से पवित्र व्यक्ति दिखाया था, लेकिन जब उनको वनवास में भेज दिया तब भी वनवास इसलिए गए कि पति के ऊपर कोई डाउट नहीं लेना चाहिए। लेकिन इस रामायण में सीता सिर्फ एक देवी नहीं है, बल्कि उनके इंसानी, उन्होंने इंसान की तौर पर जन्म लिया है, और इंसान के तौर पर जन्म लेने के बाद जो भी त्रास, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी चैलेंजेस उन्होंने फेस किए हैं, उन चैलेंजेस को यहाँ पर दिखाया गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत लंबा हुआ होगा, लेकिन अगर आपने यहाँ तक देखा है तो जो भी सवाल आपके एग्जाम्स में आएंगे उनको आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट कहता हूँ। इसी के साथ कल्चरल डाइवर्सिटी लिंग्विस्टिक प्लुरालिटी एंड लिटरेरी ट्रेडिशंस इन इंडिया ये सब्जेक्ट कंप्लीट होता है। आपके जो भी एग्जाम्स होंगे उनके रिजल्ट मुझे जरूर बताइए। अगर ये पूरा प्लेलिस्ट आपने देखा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं।